हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुमानास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दाल की इतनी जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ना हो तो हम दाल को कैसे पका रहे? आज फ्रेंड्स बस यही आपको मैं बताऊंगी कि हम दाल कितनी झटपट फटाफट से और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ऐसी दाल हम सिर्फ 5 मिनटों में तैयार करेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कली चॉप कर ली है। बस इसे हमें एक गरम गरम तेल में डाल देना है। इसे हमें मिक्स कर लेना है। अभी यहाँ पर हम खड़े गरम मसाले भी ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, 1 टीस्पून के करीब है जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ी मेथी ऐड कर दी है। बस इसे हमें मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें हरी मिर्च ले लेनी है। हरी मिर्च को मैंने ऐसे ही कट कर दिया है बीच में चीरा देकर। बस ये 2 हरी मिर्च इसमें चली जाएगी और इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकने देना है। इसे हमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक लहसुन को पका लेना है। अभी इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। लहसुन की वैसे भी खुशबू बहुत मस्त होती है। ये देखिए, लहसुन बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। बस इस पॉइंट पर हमें फटाफट से, मैंने 1 टमेटो चॉप कर लिए थे, बस उसे डाल देना है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें थोड़े मसाले भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर, ये है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। बस इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। अभी हमने नमक ऐड नहीं किया, नमक हम बाद में ऐड करेंगे, दाल वगैरह डाल देंगे उसके बाद ऐड करेंगे। बस मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेना है। ये देखिए, टमाटर थोड़े मैशी हो चुके हैं, मतलब टमाटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं, मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब मूंग की मोगर दाल ले ली थी, इसे थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था तो वो फूल चुकी है, आप देख सकते हो। बस अब हमें इसमें ऐड कर देनी है। देखिए, बस इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये दाल बहुत ही झटपट रेडी हो जाती है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, डायरेक्ट हम बघार तैयार कर लेते हैं। और अगर हमें कहीं बाहर जाना है इमरजेंसी में तो बस ये दाल चढ़ा दीजिए और बस 5 मिनट में आपकी दाल रेडी। देखिए, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें आप चाहो तो मेथी डाल सकते हो, पालक की भाजी डाल सकते हो। अभी तो ठंडियों की सीजन है तो भाजी वगैरह बहुत ही अच्छी आती है। अभी मेरे यहाँ नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया, अदरवाइज आप कोई भी तरह की भाजी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमने नमक डालना बाकी था, बस ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। नमक लास्ट में हम इसीलिए डालते हैं ताकि हमें क्वांटिटी पता चले कि हमें कितना नमक डालना है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इस पॉइंट पर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे मिक्स कर टेस्ट भी कर लेना है ताकि हमें आइडिया है कि कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। परफेक्ट टेस्ट। अब क्या करना है, बस पानी लेना है, या 1 कप के करीब मैंने पानी ले लिया है, बस इसमें ऐड कर देना है। और ये 1 कप और ऐड कर देती हूँ और बस इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमें कुकर का लीड बंद कर देना है और इसे 2 सीटियाँ लगा लेनी है। जब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है तब मैं इसी तरह दाल बनाना पसंद करती हूँ। ये बहुत ही झटपट से और 5 मिनटों में तैयार हो जाती है फ्रेंड्स।
तो आज मैं बना रही थी दाल, तो मैंने सोचा लाओ मेरे फ्रेंड्स को भी मैं शेयर करूं कि ऐसे भी दाल बन सकती है विदाउट तड़का। चलिए तो फिर दो सीटी बच जाती है, उसके बाद मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि दाल का टेक्सचर कैसा है, दाल कैसी बनी है। दो सीटी बच चुकी है और इसका प्रेशर भी रिलीज हो चुका है फ्रेंड्स। आइए तो कुकर की लीड ओपन करके मैं दिखा देती हूँ कि हमारी दाल का क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए दाल, देखिए बिल्कुल भी नीचे चिपकी नहीं है, आप देख सकते हो। देखिए और इसमें कलर भी देखिए इसका कितना ज़बरदस्त आया है। और हम देख लेते हैं दाल गल चुकी है, देखिए बिल्कुल गल चुकी है। मैं आपको लेकर दिखाऊं, देखिए बिल्कुल गल चुकी है। बस फ्रेंड अब इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी का भाग है तो हम थोड़ी देर के लिए इसे गैस चालू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अब क्या करना है, थोड़ा सी गरम मसाला ले लेना है, बस 1 टीस्पून के करीब थोड़ा सी बस वो ऐड कर देना है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दाल एकदम मस्त गल चुकी है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक कस्तूरी मेथी ले लेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही ऑसम आएगा। कस्तूरी मेथी से भी टेस्ट बहुत ही मस्त आता है। देखिए बस एक उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। और अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट बाकी है फ्रेंड्स, आप बता सकते हो क्या, दाल बन रही है तो लेमन का तो होना बनता ही है, बस हाफ लेमन इसमें स्क्वीज कर देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और नींबू के बिना दाल का मज़ा ही नहीं है, और नींबू के बगैर दाल बिल्कुल अधूरी है। बस यहाँ पर देखिए मैंने हाफ लेमन स्क्वीज कर दिया है और बस इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और बस एक उबाल आने तक ही हमें पका लेना है इसे। ये देखिए फ्रेंड, ये एक उबाल आ चुका है, आप देख सकते हो हमारी दाल। देखिए मैं पास से लेकर आपको दिखाऊं, देखिए वाओ, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये दाल को आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो, परांठे के साथ सर्व कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स ये है ना थोड़ी थिक दाल बनी है। देखिए अगर आप रोटी के साथ सर्व करते हो या परांठे के साथ तो इट्स ओके, लेकिन मुझे आज चावल के साथ सर्व करना है तो इसमें मैं क्या करूँगी फ्रेंड, थोड़ा सी पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए, ये बहुत जाड़ी है। और बस इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्ती दाल बनके रेडी है और मुझे जैसी लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए बस ये ऐसी बन चुकी है। देखिए और मैं आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ, पहले हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये दाल दिखने में इतनी डिलीशियस है और खाने में इससे भी डिलीशियस इसका टेस्ट हुआ है। अगर जो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं मेरे, वो चाहे तो इसके अंदर नॉनवेज भी ऐड कर सकते हैं, मटन को बाप लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। बस देखिए, ये देखिए ज़बरदस्ती दाल बनके रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्सचर, देखिए आपको मैं पास से दिखाऊं, देखिए बहुत ही यम बनी है। देखिए मैं आपको टेस्ट कर कर भी दिखाऊं कि कैसी बनी है। बहुत ही ऑसम और बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही मस्त बनी है। इसे कोई नहीं कह सकता कि ये हमने इसमें तड़का नहीं दिया और बन गई है। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में इसका तड़का दे दिया था, उसके बाद हमने इसे पकाई है, लेकिन हम जो ऊपर से तड़का लगाते हैं और उसका टेस्ट कैसा होता है फ्रेंड्स, बस सेम ऐसा ही टेस्ट आने वाला है। और मैं तो कहूँगी उससे भी अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि इसमें मसाले वगैरह सब भुना जाते हैं तो बहुत ही ऑसम टेस्ट आता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, इसमें टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और ये बहुत ही झटपट सी रेडी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।